हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप अपने बालों को तेजी से घना करना चाहते हैं, बालों की जड़ों को मजबूती देना चाहते हैं? अनेक प्रयत्न करने के बाद भी आपके बाल तेजी से घने नहीं हो पा रहे हैं और आप अपने बालों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आज मैं आपको सिंपल इजी एक नुस्खा बताऊंगी जिसके यूज से आप अपने बालों को तेजी से घना बना सकते हैं, बालों को तेजी से मजबूती दे सकते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम ना ले तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको लेना है अपना शैम्पू। शैम्पू के अंदर आपको दो चीजें ऐड करनी है और अपने बालों में लगाना है। यकीन मानिए, इसके यूज से आपके बाल तेजी से ग्रोथ करेंगे, तेजी से बढ़ेंगे और बालों का झड़ना टूटना भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर आखिर क्या यूज करना है जिससे आपके बालों को मजबूती मिले, बाल तेजी से घने हो, तो इसके लिए आपको मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा एंड तक। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं, तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहले आपको लेना है एक क्लीन बाउल और आपको उसमें ऐड कर देना होगा अपना शैम्पू। फ्रेंड्स, जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं आपको उसमें ऐड कर देना होगा। और अगर आप गर्ल्स हैं और दो पाउच शैम्पू यूज करते हैं तो आप इसमें दो पाउच शैम्पू भी ऐड कर सकते हैं। शैम्पू को मैंने इसमें निकाल दिया है। अब आपको फ्रेंड्स इसमें ऐड करना होगा एक चम्मच नारियल का तेल। इस तरह से आप इसमें एक चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड कर दीजिए। और अब आपको इसमें ऐड करना होगा हनी। आपको फ्रेंड्स इसमें मात्र आधा चम्मच शहद ऐड करना होगा। और फ्रेंड्स, अब आपको इसमें ऐड करना होगा मात्र आधा चम्मच अरंडी का तेल। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें सब चीजों को ऐड कर दिया है। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करना होगा। देखिए, मिक्स हो चुका है। और अब आपको करना क्या है, इससे अपने बालों में लगाना है, बालों को वॉश करना है। फ्रेंड्स, शैम्पू के अंदर अगर आप नारियल तेल को ऐड करोगे तो इससे आपके बालों में जो विटामिन्स की कमी है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर विटामिन ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो सीधा असर हमारे बालों की जड़ों पर करता है जिससे हमारे बाल तेजी से उगने शुरू हो जाते हैं। और हनी हमारे बालों को सिल्की शाइन स्मूथ बनाता है जिससे हमारे बालों में बिल्कुल भी गांठें उलझने नहीं आएंगी और हमारे बाल तेजी से ग्रोथ करेंगे। यानी कि हमारे बाल अगर उलझेंगे नहीं तो कंघी के दौरान हमारे बाल टूटेंगे नहीं। और फ्रेंड, जब हमारे बालों में गांठें पड़ जाती हैं तो उन गांठों को सुलझाने के लिए हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे बालों की जड़ें खिंचती हैं और वो कमजोर होती है। और फ्रेंड, इसमें हमने ऐड किया है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। अरंडी का तेल हमारे बालों की जड़ों को मजबूती देता है और उन्हें घना बनाने का भी कार्य जल्दी जल्दी शुरू कर देता है। तो मैंने इसमें सभी चीजें ऐड कर दी है। अब आपको मात्र इसे अपने बालों में लगाकर अपने बालों को वॉश करना है। सिंपल तरीके से अपने बालों में लगाना है, यानी कि आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाइए, पानी डालिए और इस तरह से अपने बालों की जड़ों की मसाज कीजिएगा। ऐसा करने से आपके बालों की जड़ों के अंदर जाएगा और उन्हें तेजी से पोषण देगा जिससे बालों का झड़ना टूटना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो गाइस, अगर आप भी अपने बालों को मजबूती देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका जरूर यूज कीजिएगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।